नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस ज़रूर होते हैं। दोस्तों, मुझे ज़िंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर इतना तो मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर हमेशा काम आता है और बड़ा आदमी छोटे सी बात पर औकात दिखा देता है। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं, और आपके लिए सब लोग तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में ग्रह स्थितियां आपके लिए स्वाभिमान और आत्मबल को बढ़ाने में भरपूर योगदान दे रहे हैं। काम के प्रति समर्पण आपको नई उपलब्धि भी हासिल करवाएगा तथा कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से आप यश में बेहतरीन सफलता भी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में कुछ गुस्सा और चिड़चिड़ापन रह सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बच्चों के साथ भी उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए समय को व्यतीत करें तथा अपने व्यक्तिगत जीवन पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। इन चीज़ों से यश में आपको सावधान रहना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगी, दोस्तों आपको बता दें कि दिन की शुरुआत अच्छी खबर से मिलने से खुशियाँ का वातावरण बना रहेगा। परिवार के साथ भी अधिक वक्त बिताने का मौका मिलेगा, मौज मस्ती पर अधिक ध्यान रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह से आप अपने काम को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और ना ही आप बनाई हुई योजना से दूर भाग रहे हैं। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ मिल रहे मौके का आनंद उठाएं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, आप अपना ध्यान भावी लक्ष्यों की तरफ भी केंद्रित करेंगे, अवश्य आपको उचित सफलता मिलेगी। जनसंपर्क का दायरा और अधिक यश में प्रबल होंगे। आपको बता दें कि यश में घर में भी कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम संबंधी योजनाएं की गतिविधियां बन सकती है। आपको बता दें, यश में ध्यान रखें कि किसी नकारात्मक बात के कारण नजदीकी संबंधों में कटुता भी आ सकती है। भाइयों के साथ संबंध को यश में मधुर बनाकर रखें, किसी की बात में ना आकर कार्यक्षमता पर आप विश्वास रखें, ये आपके लिए यश में जरूरी होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार के लोगों के साथ विवाद भी खत्म होगा, फिर भी अपने मन में चल रहे द्वंद्व या फिर कन्फ्यूजन की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ आप जो है अधिक करीब होते हुए महसूस करेंगे दोस्तों, जिसकी वजह से आप उनके सामने अपने मन की बातों को खुलकर कहने में भी कामयाब रहेंगे। पैसे से संबंधित तनाव केवल आपके विचारों में बन रहा है, तो इस बात का ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कोई बेहतरीन शुभ समाचार भी यश में आपको मिल सकता है तथा कोई मनोवांछित काम भी पूरा होने से आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न व फिर सुकून भरा रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर जरूर ध्यान दें, आपको अवश्य कोई उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। राजकीय संपर्क यश में लाभदायक साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से अपने लिए दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, कोई आर्थिक नुकसान होने की भी आशंका है, परंतु दोस्तों, यश में अपनी ईगो और गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा, अन्यथा काम और अधिक बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात पर यश में गौर करें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें करीबी रिश्तों से यश में आपको मानसिक तकलीफ होने की आशंका बन रही है, तो दोस्तों, हो सके तो आप करीबी रिश्तों से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अधिकतर समय घर के व्यक्तिगत गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा, समय शांतिदायक व्यतीत होगा, धर्म कर्म के मामलों में भी रुचि बनी रहेगी। दोस्तों, यश में कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों को करने में भी व्यतीत करें, इससे आपको आत्मिक खुशी भी
मिलने वाली है। संतान की किसी गलत गतिविधि की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती है या फिर कुछ समय जो है चिंता का कारण बन सकती है। परंतु दोस्तों, आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से समस्याओं का हल भी निकाल लेंगे और यह समय पैसे कहीं ब्लॉक होने की आशंका भी लग रही है। इसलिए दोस्तों, लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें, ये समय आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आध्यात्मिक स्वरूप से आपकी प्रगति आसानी से हो रही है, जिसकी वजह से भावनात्मक बातों में आपको मैच्योरिटी भी आ रही है। आपको बता दें कि भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखने की वजह से भौतिक जगत के जितने भी लक्ष्य होंगे उनके प्रति कुछ ना कुछ आपको यश में प्रगति देखने को मिलेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में नए संपर्क आपके बनेंगे या संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। क्वांटिटी के साथ साथ आपको क्वालिटी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों यश में आपको उचित ऑर्डर भी मिलने के योग बन रहे हैं। परंतु दोस्तों यश में आय की स्थिति कुछ कम ही रहने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार या तथा कारोबार में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आप में भरपूर ऊर्जा है, सिर्फ उसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। नए ऑर्डर मिलने से या समय आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसायिक बदलाव संबंधी संभावनाएं प्रबल होंगी। मार्केटिंग के कार्यों पर ध्यान जरूर दें। दोस्तों कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिलने की पूरी उम्मीद है। ऑर्डर पूरा करने में कोई समस्या भी आ सकती है, परंतु आप अपनी समझदारी से उसका हल भी निकालेंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। बेहतरीन सफलता आपको मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मार्केटिंग संबंधी कामों में कुछ अवरोध आएगा, परंतु आपको उन्हें दूर करने में भी आप सफल रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी घर अथवा व्यवसाय दोनों जगहों में सामंजस्य बनाकर रखेंगे, जिससे पारिवारिक तथा आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी अवश्य बनाएं। दोस्तों ये आपके लव लाइफ के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में विवाहित जीवन में उचित सामंजस्य भी बना रहेगा। संतान की कोई बेहतरीन उपलब्धि घर में उल्लास का वातावरण लाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ समय उनके साथ अवश्य व्यतीत करें तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनाएं। प्रेम संबंधों में यश में नजदीकियां आने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी बाहरी मुद्दे को लेकर पति पत्नी के बीच थोड़ा सा बहस भी हो सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह का कोई उत्तम प्रस्ताव भी मिल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों और अत्यधिक सर्दी से अपना बचाव रखना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि नशों में खिंचाव और दर्द की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। योगा और व्यायाम पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। शारीरिक और मानसिक थकान भी होगी, कुछ समय अपने मनोबल रुचिपूर्ण गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपको आत्मिक खुशी भी मिलने वाली है और इससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत भी जिनको है, यश में अपना नियमित जांच जरूर करवाएं। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।